तो फार्मेसी और MBBS में सिर्फ किसका फर्क है? आपको सर्जरी का नहीं पता, सर्जरी लॉ नहीं आपको, बाकी आप हर पोजीशन पे, हर टाइम पे, हर प्रेस्क्रिप्शन में आप इन्वॉल्व हैं। बस फर्क कहाँ पे आ रहा है? चीजें रिप्लेस करने का। वो वैल्यू की वजह से क्या होता है कि आपकी पोजीशन उस मुकाम पे, उस जगह पे नहीं आ पाती। आप अपने स्किल, आप अपना नॉलेज किसके बराबर कर लें? इससे, इसके बराबर नहीं, इससे ज़्यादा कर लें। आप इससे ज़्यादा सिलेबस पढ़ते हैं, कम नहीं पढ़ते, स्वाय सर्जरी के MBBS से ज़्यादा पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी, ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ते हैं, पैथोलॉजी हिस्टोलॉजी आप सारा कुछ पढ़ते हैं जो ये पढ़ते हैं। अब रिप्लेसमेंट काम पे आनी है आपकी, किस वजह से आनी है आपकी? आपकी वैल्यू एडिशन की वजह से, आपके स्किल की वजह से। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपने अपना वक्त वैल्यू एडिशन पे नहीं सर्व किया, तो आपकी 5 साल बाद की जो वैल्यू होगी वो आप आज डिफाइन कर लें क्या होगी। ये आज आज से आपने डिफाइन करनी है कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, MBBS के अंदर क्या होता है? एक मेडिकल डॉक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है, कोई आइडिया है कितनी होती है? अराउंड अबाउट 20 मिलियन, 2 करोड़। अब 2 करोड़ आप इन्वेस्ट करें तो उसका रिटर्न क्या आना चाहिए, आइडिया बताएं। थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना? कितना होना चाहिए 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का? कितना तो कम से कम 5 लाख तो होना चाहिए था, जो 5 लाख नहीं, कम से कम 2 लाख तो होना चाहिए था। एक फ्रेश MBBS 2 लाख भी नहीं कमा सकता, इससे भी कम होती है।